गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जितने भी टूरिस्ट आते हैं सिंगापुर में वो केबल कार तो जरूर लेते हैं, ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है केबल कार। तो क्या प्राइजेज है, कितने स्टॉप से सेंटोसा में कहाँ पे उतरती है, ये पूरा सब कुछ आज की वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो केबल कार है वो स्टार्ट होती है माउंट फेबर से, लेकिन माउंट फेबर किसी भी MRT से कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग उतरे हैं हार्बर फ्रंट, हार्बर फ्रंट से हम लोग जो केबल कार लेके जाएंगे माउंट फेबर, फिर वहाँ से वापस रिवर्स आएंगे। अगर यहाँ से आप माउंट फेबर जाओगे ना तो करीबन 16 से 20 मिनट्स वॉकिंग है, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। बोर्ड कर लिए हमने केबल कार, तो ये केबल कार जाएगी पहले माउंट फेबर, और माउंट फेबर से वापस हम लोग यू टर्न लेंगे और सीधा जाएंगे सेंटोसा। तो आपको मैं थोड़ा व्यूज दिखा देता हूँ। आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अभी हम लोग माउंट फेबर पे हैं। हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया था हार्बर फ्रंट से, फिर यहाँ पे आए हम लोग माउंट फेबर, अभी वापस हम लोग हार्बर फ्रंट जाएंगे, फिर सेंटोसा जाएंगे, सेंटोसा से हम लोग चेंज करेंगे, फिर यहाँ से ये वाली जो लुकआउट करके लाइन है ये लेके फिर हम लोग जाएंगे सेंटोसा लाइन और वापस इधर सेल्सोसा पॉइंट, क्योंकि हम लोग लास्ट सेल्सोसा पॉइंट पर आज टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो ये आप राउंड टिकट लेते हो ना तो यहाँ से चढ़ के इधर जा सकते हो, फिर इधर भी जा सकते हो। सिमिलरली यहाँ से चेंज होती है, अपना ऑरेंज लाइन आती है, आप यहाँ पे सेंटोसा लाइन जा सकते हो, मर लाइन पे आप उतर सकते हो, सिल्सो पॉइंट पे उतर सकते हो, ये सब कर सकते हो आप एक राउंड टिकट में। जी सेंटोसा वर्ल्ड में वाटर ये वर्ल्ड भी है, इसका नाम शायद तो वाटर कोव है। अगर आपको ये करना है तो इसकी प्राइस है मेरे ख्याल से $20 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा है। ऊपर से तो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाटर वर्ल्ड का। ये वाटर वर्ल्ड है, इसके बाद ये पूरा रिजॉर्ट वर्ल्ड सेंटोसा है, उसके होटल से अगर आपको रहना है, उसके आगे जो है यूनिवर्सल स्टूडियो है। जी करीबन 15 मिनट्स की ये जो केबल राइड थी, 15-20 मिनट्स की माउंट फेबर से लेके सेंटोसा तक। अभी हम लोग सेंटोसा पे आ चुके हैं, थोड़े से एक्टिविटीज़ अगर किए तो किए, नहीं तो थोड़ा घूम लेंगे सेंटोसा, फिर वापस यहीं से ही लाइन पकड़ के हम लोग जाएंगे सिल्सो बीच, चूला सबसे लास्ट है। तो बात करते हैं टिकट प्राइस की। जैसे मैंने आपको बताया टोटल दो लाइन्स हैं, माउंट फेबर एंड सेंटोसा। माउंट फेबर की टिकट प्राइस है $26 एंड सेंटोसा लाइन की टिकट प्राइस है $12। लेकिन अगर आप ये कंबाइंड टिकट लेते हो जिसको ये स्काई पास बोलते हैं, उसका टिकट प्राइस है सिर्फ $28। तो केबल पास लेने में ही समझदारी है या स्काई पास लेने में ही समझदारी है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करोगे तो आपको सेम टिकट मिलेगी सिर्फ $19 में। हाँ सही सुना आपने, सिर्फ $19 में। फाइनली हम लोग आ गए हैं सिल्सो बीच पे, आप मेरे पीछे देखते रहोगे, काफ़ी ब्यूटीफुल और क्लीन बीच है ये सिल्सो बीच। सेंटोसा के सबसे लास्ट पॉइंट पे आती है, एंड पॉइंट पे। यहाँ पे आप बाय वॉक भी आ सकते हो, अपना जो इनकी फ्री बसेस चलती है वो भी पकड़ के आ सकते हो, प्लस जो उनका गंडोला या केबल कार है वो भी आप लेके आ सकते हो। मेरे पीछे आप देख सकते रहोगे केबल कार चल रहा है। तो ये लास्ट स्टॉप है सेकेंड लाइन का, मैं ये पूरा आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे और कहाँ पे है ये एग्जैक्टली बीच। थोड़ा और समझने का ट्राई करते हैं इस गूगल मैप से। केबल कार स्टार्ट होती है माउंट फेबर से, लेकिन माउंट फेबर किसी भी MRT से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप टैक्सी से जा रहे हो तो नो इश्यूज, लेकिन अगर आप MRT से जा रहे हो तो आप हार्बर फ्रंट पर उतरिए और वहीं से केबल कार पकड़ के पहले माउंट फेबर जाइए, फिर वहां से डिटोर लेके जो माउंट फेबर लाइन का लास्ट स्टॉप है इम्बिया लुकआउट पर उतर सकते हो, और वहां पे आप जो भी एक्टिविटीज़ है सेंटोसा की वो एक्टिविटीज़ करके आप सेंटोसा लाइन पकड़ के सीधा जो लास्ट स्टॉप है उसका सिल्सो बीच, वहाँ पर जा सकते हो। इन सब के अलावा विद इन सेंटोसा में फ्री बसेस चलती है, वो फ्री बसेस पकड़ के आप यूनिवर्सल स्टूडियो, कैसिनो वगैरह जा सकते हो, और जो बीचेस हैं इस बीचेस पे फ्री ट्राम्स चलती है, तो आप वो फ्री ट्राम्स भी पकड़ के डिफरेंट बीचेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको सेंटोसा के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी सेंटोसा की डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।